लेके आऊंगा मैं, do you understand? पीछे हटो गंगे आछे नसाटा stand, तुम दोनों का मन जोड़ा कर लो agreement, आओ मिलके हम बनाए number one ये band, number one. तो सब शुक्र आप यहाँ जी, क्यों ऐश्वर्या मेरे पीछे क्या बॉर्डर टाप कर पाकिस्तान आ गई है? आखिर बॉर्डर टाप में जब तक क्रॉस किया जाता, अरे जाने टापने में जो सस्पेंस और थ्रिल पैदा होता है ना वो क्रॉस करने में नहीं मिलता तुम्हें। तो खैर इसको छोड़े, मैं आपको बताने आया था कि बाकिर का फोन आया है। नोकिया वाले काम से जो बाकिर का भी फोन आ गया। मतलब बाकिर ने अमरीका से टेलीफोन किया। अच्छा जी, कह रहा था जी बड़े मजे में पिछले हफ्ते उसने वहाँ मैराडोना का कॉन्सर्ट देखा। मैराडोना का कॉन्सर्ट? ये मैराडोना किस काम पे लगी है जी? इतने अच्छे से गाड़ी बिचा दी। अबे मैराडोना नहीं मैडोना। जी वही एक ही बात है। कह सके जी उसका गाना सुन के उसको आतिफ असलम भी याद आ गई। क्यों सिर्फ रीमिक्स सुना रही थी क्या? नहीं जी, वो कह सके जी शो बड़ा अच्छा था। वो कह रहे थे जी शो के 10 मिनट बाद ही उसकी आंखों के आगे डब्बे डब्बे आ गए। हाय हाय, एक तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का, सही टाइम पर डब्बे डब्बे आए थे आपके सामने। खैर ये बताओ कि मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं जी, जालिम पूछ ही लेता। इंसान कहन जोगा ही होता है कि लोग अमेरिका में मेरे बारे में पूछते हैं। कैसी ये बताएं कि लड़कियां किधर हैं? धर्मेंद्र के बच्चे मुझे शक्ति कपूर समझा जो इस तरह पूछ रहे हो कि लड़कियां किधर हैं। मेरा मतलब है कि जी हमारी लड़कियां किधर हैं? मेरी तो अभी तक हार नहीं हुई पार्टनर, लड़कियां कहां से होंगी? ओहो बड़े सर में छोटे दिमाग के मालिक, मेरा मतलब है कि मायम और सारा कहां है? तो इस तरह पूछो ना। I know Shireen, but you don't understand. Please, मुझे अपने बैंड में रख लो। तुम तो ऐसे कह रही हो, बैंड नहीं सिर्फ पुलिस है, हम किसी को भी रख सकते हैं। तो तुम्हारे बैंड में एक और बंदे की जगह है। या बट बाकी की जगह यूज ए ड्रमर, तुम ड्रम्स बजा सकती हो? नो। तो फिर सो आई कैन बी लाइक द क्यूट प्री लिटिल वन। व्हाट? आई कैन बी अ मैनेजर ऑर समथिंग। ओह गॉड, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दिस टू यू, सॉरी। कम ऑन प्लीज, सुनो तो। क्या सुना रही है? मुझे सुना दीजिए, मुझे सुनने का बहुत शौक है। क्या सुनाओ? खरी खरी। अमीन के आप इतनी उदास क्यों हैं? क्योंकि सारा कह रही है कि वो मुझे बैंड में रखेगी। ओके। या शी सेइंग के मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती तो म्यूजिक में क्या करूंगी? तो क्या करेंगे मुझे? वो ही जो एनी कह रही है। एग्जैक्टली, बुरी है। This is so unfair, okay? I mean, I want to be a musician. I want to be a singer. And you deserve to be. I mean, you have the right. I mean, aajkal dekho na, har koi era naya jo musician ban gaya. Why not? Exactly. Magar mujhe rakhega kaun? Main hu na. Okay, that's just cheesy. No, I'm serious. भाई देखो, ये तुम रबर बैंड में क्यों घुसना चाह रही हो? आई मीन अगर कानून बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है तो व्हाई नॉट दिस बैंड? रबर बैंड? गंदा बैंड, गंदा। सो आर यू सेइंग दैट आई कैन बी इन योर बैंड? मे बी। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड, आई एम गोइंग टू बी अ रॉकर, दिस इज सो हॉट, आई लव दिस। ओके, ये गाना का किस नाम? ये गाना देते प्लीज, इट विल बी रियली नाइस, इट विल बी रियली कूल, नो इट विल बी अमेजिंग। अच्छा गाना रुक, मैं अभी नाइस बनने के चक्कर में अब गाना सुनना पड़ेगा। चलो ये भी कर लेते हैं। No.
हाँ मैंने नोटिस लगवा दिया है जी, सारी तैयारियां मुकम्मल है, आप आ जाए अच्छा आ जाए, नो प्रॉब्लम। ओके अल्लाह हाफिज। सर किसी खातून का फोन था क्यों? सर बड़ी हंस के बातें हो रही थी इसलिए। क्यों? मर्दों को एलर्जी होती, उनके साथ हंस के बात नहीं कर सकते हम। सॉरी सर, मुझे यकीन है कि तुम्हें इस खुराक की आदत पड़ गई है, जब तक तुम्हें थप्पड़ ना मिले तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता, एनर्जी नहीं आती, एनर्जी। सॉरी सर, वो मैं तो कह रहा था कि... मैं तू जो भी कह मैं नहीं सुनूंगा। नोटिस लगवा दिया तुमने? जी सर, वो तो जैसे ही आपने कहा था मैंने फौरन नोटिस लगवा दिया। वेरी गुड जी। परवेश पीजा साहब आ रहे हैं। ओ जी देखिए, गलती आपकी है, हमेशा ऊट पटांग फरमाइशें करते हैं, मुझे ऊंट चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, ये कोई बात है करने वाली? हाँ, अब मुझे भी एहसास हो गया है अपनी गलती का, इसलिए मैंने पापा से इस दफा कोई और ही फरमाइश करनी है। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए? गेंडा। देखो, पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। Hey guys. हाँ, ए, बड़े अच्छे टाइम पे आई हो तुम। क्यों? मुझे एक गेंडा चाहिए भाई। गेंडा? फ्रेंच ब्रेड वाला चलेगा? अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तुम लोगों से पूछा था कि नोटिस कब आए। कौन सा नोटिस? वो पीपी रिकॉर्ड्स वालों ने नोटिस लगाया है, उन्होंने कहा कि हमने एक जिंगल बनाना है एक एड के लिए, जिसका जिंगल बेस्ट होगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। और जी छोड़े, ये रिकॉर्ड्स कंपनी वाले इतने बड़े ड्रामा होते हैं, और जी आपसे सारे ये काम करवा रहे थे, मुफ्त के जिंगल बना लेते और फिर पैसे खुद बनाते, क्यों जी? मैंने तो ऐसे पूछा है जी, मैं सदस्य सीरियस काम करना वहाँ।